गीता अ18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। पुण्य आत्मा विचार करना इन महापुरुषों के कोड वर्ड कितने गजब के हैं कि प्रकाश ही प्रकाश है वहां सत, क्योंकि सौ प्रकाशित है, जैसे मणि प्रकाशित अपने आप वो साकार है और वो लोक ऐसा प्रकाशित है, वो वहां उस तकत के ऊपर वो सत निरंकार यानी वो परम सत पुरुष बैठे हैं, वो प्रकाश रूप बैठे हैं, बैठे साकार बैठे हैं, निराकार का के बैठे ये देखो। और बात हुई उनकी, उस प्रकाश प्रकाश है, अच्छा प्रकाश रूप तकत के ऊपर सत निरंकार जी स्वरूप बैठे हैं, जीते स्वरूप बैठे हैं, निरंकार जीते स्वरूप, जेती जेती स्वरूप बैठे हैं, ज्योति स्वरूप, यह मन थोड़ी पढ़नी आ पंजाबी, ये निरंकार ज्योति स्वरूप बैठे हैं यानी तेजो में वो परमात्मा वहां बैठे हैं, साकार हैं मनुष्य। फिर उनकी बात होती है बैठे हैं, फिर संपूर्ण भगत और अवतार हाथ जोड़ के खड़े हैं, अते बाबा नानक जी ने जो कोटान सूरज के समान, करोड़ सूर्यों के समान प्रकाश है, कोटान चंद्रमा जैसा शीतल इसका प्रकाश है, यानी इसका प्रकाश है। तो निराकार का प्रकाश के वजह सूर्य का प्रकाश है, तो सूर्य तो साकार हुआ, चंद्रमा का प्रकाश है, चंद्रमा साकार हुआ, ऐसे ही परमात्मा स्पष्ट लिखा है कि वो तकत पर बैठा है, उसका प्रकाश है, इतना देखो प्रकाश है, जिसका चंद्रमा जितना प्रकाश है, करोड़ों चंद्रमा जैसा शीतल प्रकाश है, उस सच्चे प्रकाश विखे उसके बीच प्रवेश किता, उस ज्योत रूप भगवान की स्तुति की करी और आगे आगे सत स्वरूप निरंकार विष्णु विष्णु जी विराजमान हैं और सर्व समर्थ सर्व सकृत सर्वशक्तिमान भगवंत जी के ने किया। अब देखो बालाजी, ये बालाजी लिख रहे हैं कि उस पर तेजो में शरीर लोक है, उसमें तेजो में तकत है, उस तेजो में तकत के अंदर प्रकाश रूप भगवान बैठे हैं और वो विष्णु बैठे हैं। अब गुणात्माओं, क्योंकि बाला और मर्दाना को अगर ये ज्ञान देना होता दास की जरूरत क्या थी, अब यहाँ ये दास बता रहा है वो विष्णु नहीं, क्योंकि ये परमात्मा स्वयं साकार है और वहां कहते हैं कोटिन विष्णु करें करीला उस सच्चे दरबार में, ब्रह्मा विष्णु महेश के सी थोड़े करोड़ों हाथ जोड़े खड़े परमात्मा के आगे, और वही ये इसमें प्रमाण है। आगे देखो क्या वार्ता होती है महापुरुष, ये विष्णु नहीं ये सतपुरुष है परमात्मा है, उसमें निरंकार निरंकार विष्णु जी विराजमान है, सर्व सर्व समर्थ सर्व शक्तिमान भगवंत जी ने किया, आओ नानक भक्त तू सदा ही मेरे में मिलिया है, अते तेरे और मेरे में कोई भेद नहीं, पर जिस वास्ते संसार में संतनाम उपदेश के जपाउन के लिए सतनाम उपदेश के जपाउन के लिए के वास्ते गए सो दृढ़ाया है, ता श्री गुरु नानक जी की हा हे सर्वंग स्वामी जहाँ आपकी आज्ञा
जहाँ आपकी आज्ञा भई तहाँ सतनाम का प्रकाश चक्कर फेरिया है, तहाँ सतनाम का चक्कर फेरिया है, और जहाँ जहाँ आपका हुक्म होएगा तहाँ तहाँ सतनाम का प्रकाश करेंगे। आगे जिमें आपकी रजाई यानी रजा होएगी तुम्हें ही होएगा, ऐसा कहकर श्री गुरु नानक जी ने शब्द उच्चारण किया। ये नीचे लिखा है शब्द, अब ये होता है पंजाबी कम पढ़नी आवाज, ये आपको हिंदी वाली और दिखाऊं। पुनात्मा दस चा ताई सारे एक मार मार दू, ये पुराना पेंट साफ और नया कति ओरिजिनल पेंट सेट हो जाए आप, ये देखिएगा। ये हिंदी इन्होंने अनुवाद किया है, सिख समाज वालों ने, छतर सिंह भाई छतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से छपी है। भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की साखी, पंजे साहिब और दस पादशाह का जीवन संपूर्ण साखियां सहित दर्ज है। प्रकाशक भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर, यहां से ये सारा वही माइया बाजार सेवा अमृतसर, ये फोक्सर फोन नंबर है, यहाँ देखना इसके सचखंड की साखी पृष्ठ 309 पे। इसमें क्या लिखा है कि फिर गुरुजी उस स्थान पर पहुंचे जहां महान प्रकाश है और प्रकाश रूपी सिंहासन पर निरंकार स्वयं विराज रहे और देवी देवता अवतार अपने अपने हाथ बांधे हुए आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़े हैं। वह प्रकाश लाखों सखी चंद्रमाओं के प्रकाशों से परम सुखदाय और शीतल शीतल प्रकाश है। तब गुरुजी ने वहां स्तुति की, विष्णु जी की उपस्थिति में वह स्थान परम रम्य हो रहा था। तब भगवान ने प्रेम से कहा, आओ नानक देव, तुम तो सदैव मुझ में मिले हुए हो, तुम में और मुझ में कोई भी अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। तुमको सतनाम के उपदेशार्थ संसार में भेजा है। तब गुरु साहिब ने कहा, हे सर्वज, जहां आपकी आज्ञा थी वहां सतनाम का प्रकाश मैंने किया है और जहां जो आज्ञा होगी वहां पूर्ण करूंगा, यह कहकर गुरु जी ने यह शब्द कहा। आत्माओं क्या समझे, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की तबार न जाई, सार शब्द बाहर जो पढ़ी या बिचली पीढ़ी हंस न करही। अब इसी समुद्र की साखी में हिंदी मोर दिखाऊं कदे नो सकरे जा भाई, पंजाबी हम नाती नहीं करे और कम डांडी लाग गयो पहले, क्यों हम दूध के जड़े हुए हैं। समुद्र की साखी प्रश्न नंबर 559 पर, ये हिंदी वाली जन्म साखी है। समुद्र की साखी, एक दिन मर्दाना ने कहा, महाराज मेरा मन चाहता है कि समुद्र में जो लंका है वहां का भ्रमण किया जाए। गुरुजी ने कहा, अच्छा आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाने ने नेत्र बंद करके क्षण भर पीछे खोले, तब हम लोग गुरुजी के साथ महान समुद्र तट पर खड़े थे। तब गुरुजी ने कहा कि तुम लोग समुद्र के जल पर वाहे गुरु जप करते हुए करते पैदल ही चलो आओ। हे गुरु अंगद देव, अंगद देव को बता रहे हैं बालाजी, हम लोग गुरु जी के पीछे पीछे उसी प्रकार जा रहे थे जैसे सूखी पृथ्वी पर चला जाता है, और आगे आगे गुरु जी ओम सोहम का जप करते चले जा रहे थे। तब मर्दाने ने सोचा कि हम भी ओम सोहम का जप क्यों ना करें। तब मर्दाना भी ओम सोहम का रट लगाने लगा, बस वह लगा गोते खाने। फिर गुरुजी ने कहा, पीछे देखा तो हंसकर कहने लगे, मर्दाना शिष्य का धर्म है कि गुरु के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू वाहे गुरु का जप, वाहे गुरु ही जप तेरा इसी में कल्याण है। जब मर्दाना ने वाहे गुरु जप नाम की टेर लगाई। अब तक खूब देखा होगा आपने, अब क्या स्पष्ट हुआ,
सोए गुरु पूरा कहावे, दो दो अक्षर का भेद बतावे। अपनात्मा जैसा आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपनी वाणी में ये जो का तो मंत्र लिखा हुआ है, राम नाम जप कर ठहर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। अपनात्मा यदि किसी को इस नाम का ही भेद भी लग गया, क्योंकि हम देख रहे हैं श्रेयाम युक्ता को दिखता ना रह रही, इसलिए परमात्मा ने 1997 मार्च के अंदर दास को कह दिया था कि निर्भय होकर इसको कर सार्वजनिक, क्योंकि उसमें संगत थोड़ी थी। देने तो दास 1995-94 से लग गया था, लेकिन कोई कोई था इस मंत्र को, मान ले कोई भगत लेकर किसी को कहता था, उन्हें कहता छोड़ ये भी कोई मंत्र है, मंत्र तो यू है ओम नमः शिवाय, हरे राम, हरे कृष्ण, राधे श्याम, तो किसी का जच्चा ना थी। अरे नकलियां का पता लग गया कि साधना बताते हैं, अब बुद्धिमान समाज समझ जाएगा, इसलिए इसको सार्वजनिक किया जा रहा है, लेकिन सार नाम हम नहीं बता सकते। परमात्मा ने कहा था धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की दबार ना जाई, सार नाम इसको जिक्र ना कर देना, तो वे दास ही बताएगा उस मंत्र को, सार नाम को तो उसको सार्वजनिक रखा जाएगा। तो ये इसलिए खोला है आदनी गिरदास साहिब जी ने कहा है, नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुड़ ना होई। जैसे परमेश्वर ने कहा है कि सोहम सोहम जप मरे वृथा जन्म गवाया, जो जन होगा जो हरि वो लेगा शब्द बिलगाए। अब अकेला सोम नाम जाप करने तो मोक्ष नहीं, ये सतनाम बना के इसी का दो अक्षर का जाप इकट्ठा करना पड़ेगा, इसकी विधि अलग है जाप करने की, श्वास उश्वास से, और सार नाम बिना यू अकेला व्यर्थ, और इस बिना सार नाम काम नहीं करे। सोहम ऊपर और है सतसुकृत एक नाम, सब हंसों का वंश है जहां बसती सतलोक ठाम। वो सार नाम अलग से होगा, तीन मंत्र के जाप से मोक्ष होगा। और ये जैसे हम आपको प्रथम मंत्र देते हैं, ये हमारे इन कमलों को साफ करेंगे, इस रास्ते को। हमारे कमलों में कौन ये देव लोग हैं, ये यहाँ के अधिकारी प्रबंधक हैं। अपने आत्माओं परमात्मा की पाने के लिए मानव ने कितना प्रयत्न किया, जेठ के जून के महीने में राजस्थान पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश आदि गर्मी के मौसम में आग बरसती है, और महापुरुषों ने धुएं लगा लगा कर चारों तरफ अग्नि जलाकर बीच में बैठ कर परमात्मा पाने का प्रयत्न किया, एक पैर पे खड़ा होकर कितना कठिन तप किया। तो पुण्यात्मा दास भी समझता है कि थोड़ी बहुत गर्मी है, लेकिन ये अनमोल अमृत आपका बरसा रहा, ये काम आओगा। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे मोक्ष होगा। जैसे ये राधा स्वामी पंथ वाले संत और इनके भगत कहते हैं, साडे गुरु जी तो सीधे तरकुपी तो शुरू कर दे, हमने नीचे का कोई लोना देना नहीं, किसी बालकों वाली बात करते हैं। तो वट इज त्रिकुटी, त्रिकुटी क्या चीज है, त्रिकुटी तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और जैसे हमने स्वदेश आना है तो स्वदेश आने के लिए वहां के देश से ऋण मुक्त होना पड़ेगा, उनसे नो डू सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो हम इस दूसरे देश में आकर हमने हमारे सारे सिस्टम फेल हो गए। जैसे कोई विदेश में गया हुआ, उसने कनेक्शन ले रखा बिजली का, टेलीफोन का, पानी का, गैस का, और उसका कारोबार ठीक चला नहीं तो सब कनेक्शन कट गए, तो कारोबार और ठप हो गया। तो उसका क्या तरीका है उस कारोबार को चालू कराने के लिए, वो कनेक्शन फिर चाहिए उसको, उसके लिए उसे गारंटर चाहिए, नहीं तो गवर्नमेंट दे नहीं उसको सुविधाएं। तो पुण्यात्मा हम युगों युगों से गलत साधना करके अपनी पूंजी नाश कर चुके हैं, और हमारे ऊपर ऋण बन गया इन सभी इन देवताओं का, काल के जो प्रबंधक हैं। तो इन प्रबंधों का हमारे शरीर के ऊपर आधिपत्य है, जैसे मूल कमल में गणेश जी, उससे जैसे रीढ़ की हड्डी है ना, बैकबोन बोलते हैं,
ये जहां गुदा के पास एंड होता है इसका, इससे दो उंगल ऊपर गुदा कमल भी कहते हैं इसको, और वहां मूल कमल है, गणेश जी का वास है, और उसका वो मंत्र है जो आपको दास देता है। उसके बाद दो उंगल ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र है, यानी कमल है, ये स्वाद चक्र कहा संतों ने, उसमें सावित्री ब्रह्मा का वास है। उससे ऊपर नाभि के पीछे, जो नाभि है इसके पीछे रीढ़ की हड्डी के साथ चिपका हुआ, इसमें ये नाभि कमल है, विष्णु जी और लक्ष्मी जी का वास है। यह हृदय कमल है, दोनों सतनों के, ये हृदय नहीं, दिल हार्ट नहीं, यह मध्य का कमल है, मध्य का, और यहाँ इसके पीछे रीढ़ की हड्डी के सामने, यहाँ इन दोनों सतनों का यहाँ पर पीछे। तो इसके बारह, ये शिव और पार्वती का कमल है, स्थान है, इसका अधिपत्य है, यहाँ इनका निवास है। फिर कंठ कमल में, यहाँ नहीं, यहाँ रीढ़ की हड्डी जहाँ थोड़ी सी बैंड होती है, यहाँ से इसका थोड़ी चौड़ाई भी बढ़ जाती है। तो ये 16 पंखड़ी का कमल है, आंत सी है, पतली पतली सी, इसमें दुर्गा यानी शक्ति का वास है। फिर आगे इसके आगे त्रिकुटी है। अपने आत्माओं, हमने त्रिकुटी पर आना है, यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, तो तभी आ सकेंगे, जो बाकी सब क्लियरेंस हमारे पास होगा ना, तो सैर सपट्टा करते रहो पालम एयरपोर्ट पर, क्या यूज कौन बन देगा अंदर तो आपको जहाज में। तो वहां एयरपोर्ट यानी पर जाने से पहले, त्रिकुटी पर जाने से पहले हमने यह सारी क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए ये आप ये गारंटर बनेगा दास, और आपके ये मंत्र दिया जाता है, आपका कनेक्शन पुनः चालू करवाया जाएगा इन ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश ते, और फिर आप अपनी कमाई कर करके इनका लोन उतारोगे खुद। तो ऐसे ये मंत्र जब आपको दिए जाते हैं, जब संसार छोड़कर चालोगे, हम सबसे पहले मूल कमल में जाएंगे अकाउंट कराने के लिए, लेकिन वहां आपका इस मंत्र के कारण वो कमल खुल गया, यानी आपका रास्ता साफ हो गया, वहां आपके कागज अड़े नहीं, बिल्कुल रुकावट नहीं होगी। तो आप मूल कमल से आगे नाभि स्वाद चक्र में, स्वाद कमल से फिर नाभि कमल में, हृदय कमल में, फिर कंठ कमल में, और फिर आप त्रिकुटी पर पहुंचोगे। अपना आत्माओं, अब यहां तक त्रिकुटी पर जाने से पहले जो नीचे के मंत्रों की कमाई हम यहां इनको संभलवा देंगे, ये तो होगी बराबर। अब आगे जब त्रिकुटी पर पहुंचे हम, हमारे पास ये दो अक्षर का जो मंत्र है सतनाम, इसमें एक ओम मंत्र है, इस ओम मंत्र को हम, ये ओम मंत्र की कमाई ब्रह्म की है, और इसकी कमाई हम इस काल को छोड़ देंगे, ब्रह्म को छोड़ देंगे। श्री मद भगवत गीता अध्याय नंबर 18 की श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और उसके लिए उसने ऑप्शन बता दिया कि मैं नहीं जानता उसके बारे में, तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहा है कि ये गीता जी का गुप्त से गुप्त ज्ञान तुझे दे दिया, ये कति गुप्त से गुप्त ज्ञान बता दिया कि मेरी शरण में रहना है तो युद्ध करना पड़ेगा, 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में, और मेरा श्रवण करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। गीता के अध्याय नंबर 8 के श्लोक 8, 9, 10 में कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करेगा तो उसको प्राप्त होगा। गीता के अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के मंत्र बता दिए, उसका तो ओम तत् सत ये इति निर्देश है, ब्रह्म त्रिविद समर्थ है, उसका श्रवण करने का 3 मंत्र का जाप है, उसको तत्वदर्शी संत बताओगा, मैं नहीं जानता, अपना मंत्र बता दिया। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसम ये प्रयाति तदन देव सयाति परमाम गति, जो मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, इसका श्रवण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है उसको परम गति प्राप्त होती है। ओम सतर की, ओम सतर की कौन सी है, ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं, जन्म मृत्यु होती है। तो यहाँ अकेले ओम जाप करने का अन्य लाभ है, इसके दोनों को मिलाकर जाप करेंगे इसका अन्य लाभ है, और श्वास मौखिक जाप करेंगे अन्य लाभ है, श्वास से जाप करेंगे उसका अन्य लाभ है। तो जब हम
त्रिकुटी पर पहुंचेंगे, हम इसका ओम नाम की कमाई इसको छोड़ देंगे। हम पहले क्या करते रहे, ओम नाम का जाप करके हम ब्रह्मलोक में चले जाते और वहां हजारों युगों तक रह कर अपनी पूंजी कमाई को बर्बाद करके फिर गधे बनकर घूमते यहीं पर। हम उन पापों के कारण ऐसे दबे रहे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 से लेकर 66 तक एक निर्णायक ज्ञान आ गया। पूरा निष्कर्ष है पवित्र श्रीमद् भगवद गीता का। गीता ज्ञान दाता कहता मेरी शरण में रहना है तो मुझे नमस्कार कर, 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में, और मुझ में मन वाला हो, मेरा वजन कर, मुझे प्राप्त होगा। और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन तू सर्व भाव से, क्या बोला है, सर्व धर्मान परितज माम एकम शरणम वर्ज। आपको दिखाते गीता। अब यहां पुणात्मा जो दास स्पष्ट करने जा रहा है कि कैसे मोक्ष होगा, ये कंपलसरी है कि कैसे मुक्ति होगी, किन किन महापुरुषों ने यह जाप किया। आदरणीय धर्मदास जी को परमात्मा ने स्वयं यही मंत्र दिया दो अक्षर का, और आदि नाम को गुप्त रखा कि जिक्र नहीं करना है, ये मैं तुझे दे देता। इन सब महापुरुषों को दिए, लेकिन इन्होंने आगे इसका कितर नाम निशान भी नहीं दिखाया किसी को। सतनाम को सार्वजनिक, देखो नानक साहेब जी ने ये भी सिद्ध करना था कि ये जाप करके मेरा मोक्ष हुआ, और ये भी दृढ़ता इसको ऐसे छुप भी नहीं सके था। उनको मर्दाना और बाला को झटका भी दे दिया कि उसके बाद पूरा सिख समाज से इतना डर गया, इसका नाम भी नहीं लिया इस मंत्र का, और छुपा दिया, गुरु ग्रंथ साहिब में भी नहीं आने दिया इसको, कि कहीं किसी सिख समाज के बच्चे ने इसको गलती से जाप कर लिया तो कहीं गुरु मर्दाना वाली हालत ना हो जाए, उसको हानि ना हो जाए गुरु जी की आज्ञा का उल्लंघन होने से। और ये जरूरी था, इसलिए झटका दिया उन्होंने, नहीं तो खुद जाप करते थे और न कैसे मना करे। और पुण्यात्माओं, जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं होना जीव के, तो इस मंत्र का देने का भी लाभ नहीं हो। परमात्मा कहते हैं अति आधीन दीन हो प्राणी तब ये कहना अकथ कहानी। अब जैसे जितने भी कबीर पंथी हैं या दूसरे पंथी हैं, एक कबरांध काटते हैं नाम देने की, पांचों नाम दे दिए, जाओ बेटा खेल कूद, में नाम हो तो दें, और तो ठीक है अपना बुकाने वाली बात ही। पवित्र कबीर सागर में लिखा है 3 बार में नाम का ये प्रोसेस पूरा होता है। प्रथम ये मंत्र आपको पेय पदार्थ के साथ, जल के साथ अमृत बनाकर देना होता है, कबीर सागर में लिखा। और पुण्यात्माओं, दूसरी बार में फिर जब दृढ़ता देखी जाए, उसकी भक्ति कमाई देखकर फिर सतनाम दिया जाता है, फिर सतनाम की दृढ़ता और कमाई भक्ति का पैरा देखना पड़ता थर्मामीटर ला के, उसके बाद सार नाम दिया जाएगा जब काम करेगा, नहीं काम नहीं करे तो 3 बार में पूरा प्रोसेस है। फिर ये बाकी नकली कपीर पंथी ने महाराज जितना किसी के पास हमारे जैसा मार्ग नहीं, और वो कख भी नहीं उनके पास, ओठ पटांग नाम देते हैं। अपने आत्माओं, जैसे आप जी को दास ने पवित्र कुरान शरीफ दिखा दी, पवित्र वेद दिखा दिए, अब उन धर्म के धर्मियों ने अपने सदग्रंथों का ज्ञान नहीं, इसी प्रकार कबीर पंथियां ने भी कबीर सागर का ज्ञान नहीं, ये सत्कर मान लेना। वो तो परमात्मा वाली वाणी है, दिखत के तैन चमिन के फेरा मोहती आवेंद्रे। अब जो प्रसंग चल रहा है कि एक श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में एक वरज शब्द है, अरिन नाड़ियों ने, अज्ञानी हमारे धर्म गुरुओं ने, ऋषियों ने, आचार्यों ने, शंकराचार्यों ने और मंडलेश्वरों ने इसका अर्थ का अनर्थ कर रखा है और घुमा रखा है। कोई तो कहता है कि उसके समास में ऐसे बन जाता है फल, अब इसमें समास के करेगा, वर्ज माने जाना है, गो माने जाना है, इंग्लिश वर्ड है, और उसका अर्थ आना करता, वो कितना समझदार है, कुछ कुछ भी बनाए जो व्याकरण उसके अंदर, वो सेंटेंस को समझ नहीं सका। अब देखिएगा उसमें क्या अर्थ है। श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। इसके 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में आपको दिखाते हैं, ये है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18
और श्लोक नंबर 66, इसमें क्या लिखा, सर्व धर्मान प्रीतज माम प्रीतज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामी मासुच। इन्होंने क्या कहा, सब पूर्ण धर्मों का अर्थात पूर्ण कर्तव्य कर्मों का मुझ में त्याग कर, धर्मों को मुझ में त्याग कर केवल तू केवल एक मुझ माम कार्थिन के लिखा है मुझ सर्वस्वती शक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में, शरणम माने शरण में, वरद माने आ जा। जबकि वरद माने जाना होता है, मैं अहम तवा सर्व, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। अपना आत्मा पहले ये वरद माने आना है या जाना है, ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। पहले वो थोड़ा सा वो सब प्रकरण पूरा करते हैं कि ये ओम नाम का जो मंत्र है ये हम काल को देंगे, वहां त्रिकुटी में अकाउंट होगा आपका, और वहां इस दास के रूप में आपको परमात्मा खड़ा पाओगा। अब जैसे आपका भाव बताया ना, जैसे कि मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, गुरु गोविंद कर जानिए रहिए शब्द समाए, मिले जब दंडवत बंदगी, नहीं तो पल पल ध्यान लगावे, गुरु जी को एज ए गॉड ट्रीट करना। तो जैसा भाव आपका इस दास के प्रति यहाँ रिहर्सल में आपका होगा, ऐसा ही वहां तरकुटी पर होगा, वो भी एक ऐसी सोपन सा होगा, जैसे अब सोपन है ये भी। तो जैसा यहाँ भाव आपका देखते गुरु जी कहा हुआ आगे, तो दर्शन के लिए आप उतावले होते हो, गुरु जी की तरफ दंडो करने के लिए अग्रसर होते हो, तो वहां आप ऐसे ही दास मिलेगा, दास के रूप में परमात्मा कबीर जी मिलेंगे। आप दौड़े दौड़े जाओगे अपने गुरु जी के पास, तो आपको लेकर के परमात्मा धर्मराज के पास जाओगा, अगले भाई मारा हिसाब कर, कर इसका हिसाब, ये ओम नाम का जो जाप है तुम्हारा पकड़ो, बाकी छोड़ो हमारा। तो जो दूसरा मंत्र है ओम के साथ दो अक्षर में, तो वो परब्रह्म का जाप अक्षर पुरुष का, उसके 21 ब्रह्मांड से सात संग ब्रह्मांडों से पार होना। अब देखिएगा एक ब्रह्मांड का चित्र, ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है ये वाला, ये एक इलिप्टिकल जो शेप है ये ब्रह्मांड का चित्र है। अब इसके अंदर क्या है, ये नीचे नीचे के साथ ये अतल वितल आदि है, इसमें ये पृथ्वी लोक है, ये शिव का लोक है, ब्रह्मा का लोक, जी का लोक है, शिव जी विष्णु जी का लोक, और इसके बाद फिर ये धर्मराज का लोक है, ये कॉमन स्वर्ग है, इंद्र का लोक जिसे कहते हैं, और ये है वो ब्रह्म लोक, ये है वो ब्रह्म लोक, और यहां पर ये गुप्त रहता है ये काल, इसने 3 स्थान बना रखे अलग से गुप्त, और यहाँ ये अपनी पत्नी दुर्गा को साथ रख के 3 स्थानों में अलग अलग रहकर 3 पुत्रों की उत्पत्ति करता है। अब हमने जो प्रसंग लेना है वो ये देखना, ये तो एक ब्रह्मांड है और ऐसे ऐसे काल के 21 ब्रह्मांड है, 21 ब्रह्मांड है। तो अब ये देखिएगा, ये है ज्योत निरंजन के 21 ब्रह्मांड, ये सारा चित्र ये देखिएगा, इसमें क्या करा है इसने, ये जो एक गेंद सी दिखाई देती है ये समझो यू एक ब्रह्मांड है। अब ये ब्रह्मांड है, अब इसको ऐसे ऐसे 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बना के ग्रुप बना दिया इसने, एक महाब्रह्मांड कहते हैं इसको, महाब्रह्मांड है। तो ऐसे 4 महाब्रह्मांड बना में इसने 20 ब्रह्मांडों को रोक रखा है, ये अलग अलग अपना चक्कर काटते रहते हैं, और ये स्वयं भी अलग अलग घूमते रहते हैं, इनके अंदर के लोक भी घूमते रहते हैं। तो फिर ये एक लोक ये अलग से और गुप्त है इसका, यहाँ इसने एक नकली सतलोक, नकली अलकलोक, नकली अगमलोक, नकली अक अनामी लोक की रचना कर रखी, और इसी प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड में भी इसने, ये एक ब्रह्मांड में, वो तो इसके 21 महाब्रह्मांड है, ये 20 एक ब्रह्मांड में, ये देखना ब्रह्मलोक में इसने महाइंद्र का द्वीप, फिर नकली सतलोक, नकली अलकलोक, नकली अगमलोक, नकली अनामी लोक की रचना करवा रखी है अपनी दुर्गा से, माया से, शक्ति से, जीवों को धोखा देने के लिए। अब ये 21 ब्रह्मांड है काल के, और ये रास्ता है, ये इसमें से रास्ता रास्ता है बाहर जाने का। अब देखो ये एक ब्रह्मांड है,
अभी तक जो 10 द्वार बताते हैं वो 10वां द्वार जो है ये है 10वां द्वार एक ब्रह्मांड का, यानी इस एक इस अब यहाँ यहाँ ये इससे पार हो जाएगा ना आदमी, जब उसका 10वां द्वार पार माना जाएगा इससे बाहर हो जाएगा, उसके बाद फिर ये यहाँ आएगा, 10वां द्वार यहाँ पार होगा, तो ये वो कम प्लेस है, इससे निकलकर वो यहाँ धक्के खाता रहता है इस खाली स्थान पर इधर का, चारों तरफ शून्य है। अब ये 11वां द्वार के जाकर हमारा मोक्ष होगा। अब देखना ऐसे ये कंप्लीट एक चित्र है असंग ब्रह्मांड का। अब देखना ये समझो 21 ब्रह्मांड तो काल के आगे, ये 21 ब्रह्मांड काल के, ठीक है, ये वही गेंद सी, और ये 7 संघ ब्रह्मांड है परब्रह्म के यानी अक्षर पुरुष के, ये वाले ये 7 संघ ब्रह्मांड है उस काल के असंघ ब्रह्मांड यानी 7 संघ ब्रह्मांड, और ये पूरा ऑल आर कंट्रोलर है कबीर परमात्मा असंघ ब्रह्मांड का, इन असंघ ये ब्रह्मांड है, ये असंघ ब्रह्मांड इनका और 7 में 21 ब्रह्मांड इनका और 7 संघ ब्रह्मांड इनका, ऊपर कुल का मालिक ये कबीर साहब है, ये परमात्मा इसके सबसे ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में यहाँ विराजमान है। अब यहाँ देखिएगा जैसे एक ब्रह्मांड के अंदर ये 21 ब्रह्मांड का चित्र देखिएगा यहाँ पर। अब 10वां द्वार तो एक ब्रह्मांड में ही रह लेता है, इससे बाहर नहीं जाता, यू एक ब्रह्मांड से में ही रह लेता है। अब परमात्मा के उस मंत्र से बाहर निकलेंगे हम। अब ये 21 ब्रह्मांड है। अब यहां से जैसे 11वां ये है वो 10वां 11वां द्वार, 10वां तो एक ब्रह्मांड के अंदर है और यहां से निकलकर ये प्राणी ये 11वां द्वार है। अब इसको देखेंगे यहां आइएगा, ये 10वां द्वार और फिर इससे आगे पार करके 11वां द्वार पार करके हम इसमें 7 संघ ब्रह्मांड जो इसके हैं परब्रह्म के उसमें प्रवेश कराएंगे, और फिर ये 12वां द्वार है जो सतलोक में जाकर खुलेगा, यानी इस परब्रह्म के 7 संघ ब्रह्मांडों को पार करके फिर 12वां द्वार पार करके हम सतलोक में जाएंगे। इतने 10वां द्वार का गाटा जोड़ रखा, और एक कबीर पंथी एकदम मुंह में उसकी तो एक्टिंग ही नारी है, क्योंकि गर्मी खड़की पागी गर्मी खड़की, आज तक किसी नहीं बता 11वां द्वार मैंने 11वां द्वार पा गया। अरे कबीर सागर में अगर तूने 11वां द्वार पा गया तो कबीर सागर से ही पाया, अपने नारा ज्ञान कहाँ से लाया, और इसमें 12वां द्वार लिखा कबीर परमेश्वर ने कि 2 10 दर बस है मुराबालम तहाँ ध्यान लगावे, और आदरणीय गिरिदास साहब जी ने कहा है असंघ जन्म तन मृत्या हो गए जीवित क्यों नाम रह रे, और 2 10 मध महल मठ बोरे बोहर ना दे धरे रे। वो 12वें द्वार को पार करके वहां पर वो परमात्मा है, जहां जाने के बाद फिर दोबारा दे नहीं धरता, दोबारा जन्म मृत्यु नहीं होता, और उसके लिए सतनाम इस सच्चे नाम का 2 अक्षर के नाम के जाप से जाएगा। अब हम फिर आते हैं उसी प्रसंग पर कि अभी तक अब यहाँ क्या करेंगे हम, ओम मंत्र का जाप दे देंगे इस काल को, इसने कहा है कि सर्व धर्मान प्रीतज माम, उसका अर्थ ये बनता है 18वें 66वें श्लोक का कि मेरे सतर के ओम नाम का और ये यज्ञ तुम करते हो हवन यज्ञ आदि ये सब धार्मिक अनुष्ठानों की कमाई मुझको दे दे, फिर तू उस सर्वशक्तिमान उस पर उस एकम जिसके बराबर दूसरा ना हो उसकी शरण में जा, और ये कहते मेरी शरण में आ। दूसरे दय के 7वें श्लोक में अर्जुन कहता है कि मैं आपकी शरण में हूं, इसकी शरण में तो पहले ही था, और मेरी वो दीप काम नहीं करती, मुझे मेरे हित में जो हो तो आप बताओ मैं तो आपकी शरण हूं, और फिर नो कह मेरी शरण में आ जा, ये तो वर्धमाने जाना होता है। अभी दिखाते हैं, ये देखिएगा एक शब्द कोश दिखाते हैं, ये है संस्कृत हिंदी कोश, इसका वामन शिवराम आपटे इसका संग्रह करता है, ये मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से प्रकाशित है, इसके 993 पृष्ठ पर आप ले सकते हैं। ये देखिएगा यहाँ क्या लिखा, व्रज शब्द है व्रज, व्रज माने जाना चलना प्रगति करना,
विदा होना, जाना, चलना, स्पष्ट हुआ कि वर्धमाने जाना होता, आना नहीं हो सकता। ये नकली, ये भी नकलियों का दिखाऊंगा आपको, सारे का सांग, 10 मिनट का सत्संग, पुणात्मा ध्यान तोड़ सुन लियो। अब गीता प्रेस गोरखपुर वाले किताब ने देख ली, वर्धमाने आ जा मेरी शरण में आ जा। अब दिखाता हूँ आपको आसाराम जी महाराज का के द्वारा प्रकाशित श्रीमद् भगवद गीता, संतरी आसाराम आश्रम अहमदाबाद, ये देखिएगा, संतरी आसाराम जी आश्रम, इनका ओम ताग कोई भी नहीं, अहमदाबाद, श्री योग वेदांत सेवा समिति, संत श्री आसाराम जी आश्रम, संत आसाराम जी बापू आश्रम मार्ग अहमदाबाद, आश्रम रोड जहांगीरपुर, ये इनका सेक्शन था। अब इसमें देखिएगा, ये 18वें अध्याय का 18वां अध्याय संक्षेप, मोक्ष संन्यास योग, 66वां श्लोक, सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज, संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल मुझ सर्वशक्तिमान सर्वधार परमेश्वर की शरण में आ जा। ठीक है, अब नंबर 2 ये दिखाते हैं, सतपाल अंसादेश वालों के द्वारा अनुवाद, ये कहाँ से छपा है, श्रीमद् भगवद गीता, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, वंदे विष्णु श्री कृष्ण, वंदे जगत गुरु, श्रीमद् भगवद गीता, अनुवादक हैं ब्रह्मलीन महात्मा सत्यानंद, महात्मा सर्वज्ञानंद, आदि संपादक अंसादेश, प्रकाशक मानव उत्थान सेवा समिति, 2/12 पंजाबी विभाग, नई दिल्ली, और ये मुद्रक है राजेश्वरी फोटो सेटर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली, और इसका ये देखिएगा, ये सतपाल जी महाराज हैं, श्री सतपाल जी महाराज, ये इसके, ये देखना, ये इनको मान्य है ये अनुवाद, ये 18वां अध्याय, और यहाँ का रखा है इन्होंने, ये 61, 62, 63 तक यहाँ है, 64 से लेकर और 66 तक, सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज, इसका अनुवाद इन्होंने यहाँ किया है कि सर्व धर्मों के कर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ। नंबर 2, अब आपको दिखाते हैं तीसरा, सुधांशु जी महाराज, ये सुधांशु जी महाराज, इन्होंने ये कहाँ से छपी है, प्रकाशक हैं विश्व जागृति प्रकाशन ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, जी ब्लॉक मानसरोवर गार्डन दिल्ली, मुद्रक हैं इंटर इंडिया पब्लिकेशंस, D17 राजा गार्डन नई दिल्ली, ऐसे ऐसे गया पर। अब इसके हम 18वें श्लोक को दिखाते हैं आपको, ये 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग, 66वां 18वां अध्याय का 66वां श्लोक, सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। ठीक है, 3, अब चौथा दिखाते हैं आपको, अब देखिएगा एक पूरा जो कितना बड़ा, इसका अनुवाद देखकर हैरान हो जाओगे, साधक संजीवनी नामक है इसका टीका, श्रीमद् भगवद गीता का टीका श्री राम सुखदास जी ने किया है, श्रीमद् भगवद गीता स्वामी राम सुखदास जी, प्रकाशक हैं मैं मुद्रक के गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, ये इनके फोक्स और फोन नंबर है, इसने तो कमाल कर रखा है, देखियो ये देखो, 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, ये है 66वां श्लोक, सर्वधर्मान परितज माम एकम शरणम व्रज, अहम तवा सर्व पापे भ्या मुक्षामी मासुच, या क्या अनुवाद किया इन्होंने देखिए,
संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल एक मेरी शरण में आ जा। ठीक है। और इस अज्ञान को और अधिक अज्ञान बनाने के लिए कितने कितने कागज बांट रखे इसने। अब देखो 1200 से शुरू होता है, 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, और आओ दिखाए आपको यहाँ आ गया। देखो ये 1200 से लेकर 1217 तक, ये 1217 पृष्ठ तक और कति छोटी छोटी लिखाई है 18वें अध्याय का 66वां श्लोक का एंड बैंड लिखते लिखते 17 पृष्ठ भर दिए ने, और कख नहीं इसके अंदर, और कितनी छोटी लिखाई है जैसे समाचार पत्र की आकर, और इसे 17 पृष्ठ ठोक रखे। एक दो अक्षर की बात थी वर्धमान ने जाना होता है। इन अज्ञानियों ने ज्ञान तो था नहीं, और हुआ भाई बकडाली इसके अंदर अनजान अज्ञान बना दिया। अब देखो दिखाते हैं आपको सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन, इनके विषय बताया कि ये बड़े महापुरुष, इन जैसा तो कोई भगवत गीता की व्याख्या तथा प्रत्येक श्लोक सरल करके आधुनिक भारत सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक डॉक्टर राधा कृष्णन के कुछ ने कुछ इस ढंग से प्रस्तुत किया है। श्रीमद् भगवद गीता और हिंद पॉकेट बुक से ये छपी है। ये मुद्रक है, लेजर मुद्रक मुद्रक है डॉक्टर सिक्योरिटी प्रेस प्राइवेट लिमिटेड इतना। अब देखो इन्होंने भी क्या कर रखा है, 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज, सर्वकृत्यों को छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। ठीक है। अरे एक और दिखाऊंगा अपने कति चौड़े में झूठ बोल रहे, ये देखिएगा श्रीमद भगवत गीता यथारूप, एस्कॉन वालों की है ये, एस्कॉन कृष्ण कृपा मूर्ति मूर्ति श्रीमद सी एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, ये कहाँ से छपी है ये देखना, गीतोपनिष्ठ यथारूप संपूर्ण अखंड संस्करण द्वारा कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्री 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 मद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, ये भक्ति वेदांत बुक डिपो लॉन्स एंसल लंदन और स्टॉक होम सिडनी हांगकांग मुंबई, ये यहाँ यहाँ से छपती है। अब देखो न के कमाल कर रखा है कति, ये है 18वां अध्याय का 66वां श्लोक, 66वां श्लोक या नीचे आ गया 66वां, यहाँ पर सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज एम त्वा सर्व पापे व्योमोक्षामि मा शुच, यहाँ अनुवाद किया इन्होंने। देख कमाल इनकी तैयारी है कलावा जी, इन्होंने पहले मीनिंग लिखे हैं, मीनिंग सर्वधर्मान माने समस्त प्रकार के धर्म, प्रीतज माने त्याग कर, माम माने मेरी, एकम माने एकमात्र, शरणम माने शरण में, और व्रज माने जाओ। यहाँ अर्थ तो कति सही लिख दिया, व्रज माने जाना ही होता है, और देखो नीचे क्या अनुवाद यहाँ कर दिया, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। अरे वाह अंग्रेजों, ये थे हमारे विद्वान पुरुष, कक्का पता नहीं ने, और महर्षि राचार्य शंकराचार्य को आ गए। आपको और दिखाते कलयुगी महर्षि के द्वारा इसका कैसे समाधान किया शंका का, इसने देख के तो आपका कल जय पटेगा, इसे विद्वान था महर्षि दयानंद, दिखाता हूँ आपको। ये है एक पुस्तक महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र, इसके लेखक है अमर शहीद पंडित लेखराम द्वारा संकलित प्रमाणिक उर्दू भाषा का आर्य भाषा अनुवाद, अनुवादक हैं आर्य महाउपदेशक श्री कविराज रुगनंदन सिंह निर्मल, संपादक हैं पंडित श्री हरिचंद्र विद्यालंकर,
प्रकाशक है आर्य समाज नया बांस दिल्ली 6 स्वर्ण जयंती के उपलक्ष में। अब इसके 208 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। ये 208 पृष्ठ है और कौन सा प्रसंग है ये? जीवन चरित्र महर्षि स्वामी दान सरस्वती मिर्जापुर की घटनाएं है ये। यहाँ लिखा है एक समय इसके पास क्या है, राम गोपाल वैश्य ने जो वेदांती था बहुत सी टीकाएं यानी अनुवाद गीता की देखी, परंतु एक श्लोक के विषय में जो उसका संदेह था वह दूर न हुआ। अंत में वह एक दिन हमको साथ लेकर लेखक कहता स्वामी जी यानी महर्षि दानंद जी के पास गया और स्वामी जी से कहा कि आपसे कुछ पूछना है। उन्होंने आज्ञा दी तब यह श्लोक पूछा, सर्व धर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज। स्वामी जी ने कहा इसके बारे में देखो, ये राम गोपाल वैश्य था कोई लाला जी, वेदांती था, बुद्धिमान था, इसका ये बात खटकी कि व्रज माने जाना होता है और सब ने आना कर रखा है, तो महर्षि दानंद का बोलबाला था तो वहां गया, उससे पूछा महाराज इसका अर्थ बताओ, समाधान बताओ कि व्रज माने जाना होता है, ये आना कैसे कर रखा सबने। तो चले फिर महर्षि दानंद इसका समाधान करने देखना। स्वामी जी ने कहा सर्व धर्मान प्रीतज माम एकम शरण व्रज, व्रज का समाधान करने चले स्वामी दानंद। स्वामी जी ने कहा सकंद वादीसु परम रूपम वाचम, इस वार्तिक के वकार के अकार के आगे परे जो अकार रहा उसको तद्रूप हो गया, अर्थात वह शब्द धर्म ही रहा परंतु वास्तव में अधर्म है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश गुजर। सर कहाँ से आए आप? मैं शहर सनावत जिला खरगोन MP मध्य प्रदेश का हूँ। अखिलेश जी क्या करते हैं आप? मैं पेशे से डॉक्टर हूँ सर। सर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से आप कब जुड़े? मैं संत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से अक्टूबर 2012 में जुड़ा सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? वही अन्य देवी देवताओं की भक्ति करता था, चूँकि नर्मदा तट का था इसलिए नर्मदा की पूजा, नर्मदा जी को भी थोड़ा मानता था, पवित्र नदी और माँ के स्वरूप उसको माना जाता है, ओंकारेश्वर क्षेत्र का था इसलिए अन्य देवी देवता की भक्ति के साथ साथ नर्मदा की भी भक्ति करता था। और एक नर्मदा तट में जो साधु संत रहते थे मैं उन्हीं को मानता था कि यही साधु संत हैं। वो एक साधु थे, उनको मैंने अपना गुरु बना रखा था, जो कि फक्कड़ थे, जटाएँ रखते थे और कुछ योगा वगैरह भी सिखाते थे, तो उन्हीं की मैं उनके बताए अनुसार ही भक्ति करता था। अखिलेश जी चूँकि आप डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर के पास लोग अपना रोग दूर करने के लिए, अपनी शारीरिक पीड़ाओं को दूर करने के लिए डॉक्टर का सहारा लेते हैं, डॉक्टर के पास आते हैं। आप खुद एक डॉक्टर हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? सर कुछ मेरे साथ ऐसी घटना घटी कि परमात्मा ने मुझे शरण में बुलाना था संत रामपाल जी महाराज ने, तो उसके पहले कुछ तैयारियां मेरे से करवाई, समय परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि मुझे सारे कामकाज ठप हो गए। मैंने अपने मित्रों के साथ एक कारखाना डाल दिया था जो कि वेल्डिंग रॉड का होता है, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा लॉस गया और वहीं से मेरी इच्छा हुई कि ये सब काम बेकार है और कहीं एकांत में जाना चाहिए, इन चीज़ों से भी हटके कुछ शांति चाहिए, क्योंकि पैसा तो एक अलग चीज़ थी पर जो मानसिक शांति मेरी असंतुलित हो रही थी, मेन उद्देश्य वही था कि मैं कहीं शांति पाना चाह रहा था। और मैंने इसी दौरान साधु संतों की शरण ग्रहण करी, मैं एक नाथ संप्रदाय के साधु से भी संपर्क में रहा, तो मैं मानसिक संतुलन बहुत डिस्टर्ब हो रहा था, इसीलिए मुझे मेरे मित्र ने बताया और मैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया। सर संत रामपाल जी महाराज से अभी तक जितने भी अनुयायी जुड़े हैं, जिनसे भी हमारी मुलाकात हुई है, जिनका भी हमने साक्षात्कार लिया है,
सभी ने बताया है कि किसी को मानसिक रोग था वो ठीक हो गया, किसी को शारीरिक रोग था वो ठीक हो गया है, किसी को आध्यात्मिक लाभ मिले हैं, किसी को आर्थिक लाभ मिले हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे अखिलेश जी, चूंकि आप डॉक्टर हैं तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के आपको क्या फ़ायदा मिला है, क्या लाभ मिले हैं? सबसे पहले तो मुझे इस मानव मनुष्य जीवन का मेन उद्देश्य पता चला कि आखिर मनुष्य जीवन होता क्या है, क्योंकि इससे पहले तो पशुओं की तरह जीवन जी रहे थे। डॉक्टर चूंकि थे जरूर नाम से, पर जो जीवन था वही था जो एक साधारण जनता जीती है, नशा करना, दोस्तों के साथ घूमना। और परमात्मा जी की शरण में आने से सबसे पहला और सबसे बड़ा लाभ मुझे जो मिला कि जैसे ही मेरी मानसिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ हुआ और मुझे लॉस हुआ धंधे में, उसी दौरान मेरी शादी हो गई थी। तो शादी के 5-6 साल बीत चुके थे और मेरे घर श्रीमती जी को जो भी गर्भधारण होता था उसमें दिक्कत आ जाती थी। मैंने अच्छे अच्छे डॉक्टरों से संपर्क करा, मेरे पास में इंदौर जैसा बड़ा सा शहर है, वहाँ के जो फेमस डॉक्टर थे मैंने उनसे भी मुलाकात करी, तो वो लोग यही बोलते थे ऐसी प्रॉब्लम आजकल आम बात हो गई है और कुछ नहीं, अगली बार फिर से आप थोड़ा ध्यान रखिए, प्रिकॉशंस रखिए, आराम करने दीजिए, ऐसे जो भी मेडिकल टर्म्स के हिसाब से जितने भी रूल्स होते हैं वो सब मुझे बता देते थे और मैं उनके अनुसार फिर अगली बार सारे नियमों को फॉलो करता था। पर कुछ भी लाभ नहीं हो पा रहा था सर। वाइफ के साथ 3 बार ऐसी घटना चूँकि हर 6 महीने साल भर के अंदर हो रही थी, तो मेरा विश्वास उठ गया था मेडिकल लाइन से कि डॉक्टरों से ही सब कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं डॉक्टर भी भगवान के आगे सिर झुकाता है, तो डॉक्टर सब कुछ नहीं कर सकता, भगवान भी कोई चीज़ है। और मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में जा चुका था तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज की दया से ही कुछ आगे बढ़ सकता हूँ। उसी बीच मेरा एक विचार भी हो गया था, जब उनकी मैं पीड़ा देखता था ऐसे समय में, तो मेरा विचार हो गया था कि अब मैं ये इस टाइप की कोई भी चीज़ नहीं चाह रहा हूँ बच्चे जैसी, अब मैं किसी भी गरीब व्यक्ति के बच्चे को या जिसके पास ज़्यादा बच्चे या कोई अनाथालय वहाँ से एक बच्चा अडॉप्ट कर लूँगा, क्योंकि बच्चा चाहिए क्यों, सिर्फ मनोरंजन के लिए, आगे चल के वो आपकी सेवा कर सके, ऐसे इसी सुविधाओं के लिए बच्चा चाहिए। तो मैंने ये विचार किया कि किसी गरीब व्यक्ति का बच्चा अडॉप्ट कर लूँगा और मैं भक्त श्रीमती जी से बार बार बोलता था कि एक कोई गरीब परिवार देखेंगे और अपन बच्चा ले लेंगे, तो मुझे बोलती थी कि नहीं, कभी खुद का भी बच्चा होना चाहिए, मैं भी माँ बनना चाहती हूँ। और मुझे आज अच्छे से याद है कि वो दिन 31 दिसंबर 2014 का था, रात का समय चल रहा था, मैं और मेरा मित्र हम लोग बैठे थे ऐसे घर पर ही, चाय के साथ हंसी मजाक चल रही थी और वो अपने घर चले गए, मैं अपने घर पे रेस्ट कर रहा था। इतने में सुबह सुबह करीब 4 बजे मुझे एक सपना सा आया और वही सपना सेम भक्तमती मेरी वाइफ को भी आया। हम दोनों को ऐसा एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं हमारे कमरे में बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज जी आए, और एक अचानक सी हल्की सी लाइट का एहसास हुआ और एक शांति फील हुई। तो वैसे मेरी आंखें खुल गई करीब 10 मिनट बाद और मेरी वाइफ की भी आंखें खुली, हमने एक दूसरे से देखा और पूछा कि आपको कुछ दिखा, मैंने बोला हाँ मुझे भी कुछ दिखा, और बोले कि क्या दिखा, तो मैंने बोले पहले आप बताओ। उन्होंने बताया कि भाई मुझे रामपाल जी महाराज जी के दर्शन हुए। मैंने कहा मुझे भी सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के दर्शन हुए। वो दिन था भगत सर, और आज का दिन है कि बंदी छोड़ परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से दास के पास एक 2 साल की गुड़िया है और इतनी सुंदर है कि कोई भी देखता तो बोलता है यार ये आपकी गुड़िया नहीं हो सकती, बिल्कुल ही सुंदर सी हेल्दी सी है। और उसको कभी अभी तक 2 साल हो गए मुझे डॉक्टर के पास अलग से नहीं ले जाना पड़ता, क्योंकि मैं भी एक डॉक्टर हूँ पर चूंकि बच्चों के भी डॉक्टर रहते हैं तो मुझे कहीं ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ता कि मैं जैसे कहीं ले जाऊँ। हल्की सी सर्दी जुकाम होती है और मैं बोलता हूँ थोड़ा सा रामपाल जी महाराज जी ने कुछ दया बख्श रखी, प्रसाद के रूप में, कुछ चरणामृत के रूप में वो देते हैं और वो खेलने लग जाती है। जब मुझे ऐसे लाभ हुआ तो मैं खुद आश्चर्य रहा, और मैं जनता से भी यही प्रार्थना करूँगा कि आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं एक डॉक्टर होने के बाद निराश हो गया था और मेरी कोशिशें फेल हो रही थी, तो मुझे बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की दया से ये लाभ प्राप्त हुआ। इसके बाद मुझे एक बवासीर की समस्या खुद को थी, चूँकि हल्की सी थी तो मैं ध्यान नहीं दे रहा था, मैंने छोटी मोटी दवाइयाँ ले रखी थी फिर भी कुछ आराम नहीं मिल रहा था, पता ही नहीं चला वो तकलीफ़ कब गायब हो गई। ऐसे बहुत सारे लाभ जो छोटे छोटे आए दिन हो जाते हैं जिनका कभी एहसास भी नहीं हो पाता, और परमात्मा कब वो लाभ दे देते हैं पता ही नहीं चलता। सर आप एक शिक्षित व्यक्ति भी हैं और साथ ही डॉक्टर भी हैं, जैसा कि आपने बताया कि आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी
और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको संतान की प्राप्ति हुई है। सर, जैसा कि हम देखते हैं कि साइंस का ज़माना है और लोग डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, क्या ऐसे समय में लोग इस बात पर विश्वास कर पाएंगे कि किसी संत से आशीर्वाद लेने से ऐसे लाभ मिल सकते हैं जो राहत डॉक्टरों से नहीं मिल सकती, वो संत के आशीर्वाद से मिल सकती है? आप चूंकि खुद एक डॉक्टर हैं, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, आज जो मॉडर्न युग है, जो साइंस का ज़माना चल रहा है और जो डिजिटल इंडिया की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अध्यात्म एक ऐसी चीज़ है जहाँ साइंस ख़त्म होता है, स्टॉप होता है, जहाँ सारी सीमाएं ख़त्म हो जाती है साइंस की, वहाँ से अध्यात्म की शुरुआत होती है। क्योंकि जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुना, पढ़ा और जाना, जब मुझे ये एहसास हुआ कि अध्यात्म क्या चीज़ है और ये समझ में आया कि ये क्यों करना चाहिए, हमें मानव जीवन के क्या उद्देश्य है और कैसे करना चाहिए, मानव जीवन क्यों जीना चाहिए, क्या इसके उद्देश्य मूल उद्देश्य है। सर, सबसे ज़्यादा संत रामपाल जी महाराज को इस बात को लेकर के काफ़ी प्रसिद्धि मिल रही है कि संत रामपाल जी महाराज से जो भी नाम दीक्षा लेते हैं वो नशा छोड़ देते हैं। सर, इस बारे में आपका क्या अनुभव है? सर, मैं खुद नशा करता था, क्योंकि जो फ्रेंड सर्कल था वो ऐसा था कि कभी ना कभी हफ्ते में एक बार कुछ ड्रिंक वगैरह या फिर सिगरेट की एक आदत सी हो गई थी, मैं खुद भी लेता था। और नशे की आदत के कारण क्या होता था सर, कि मेरे खुद का चिड़चिड़ापन बढ़ जाता था और कभी कभी हम दोनों का बहुत झगड़ा हो जाता था और इतना गुस्सा आ जाता था मुझे कि बहुत सारी चीज़ें मैं तोड़ फोड़ कर दिया था करता था। ये मेरी एक बहुत बेड हैबिट थी। और इस नशे की लत को रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद मात्र से ऐसा छूट गया कि मुझे पता ही नहीं चला। उससे पहले मैंने कई बार कोशिश कर चुका था मैं कि ये नशा दूर हो जाए। मैं काफ़ी कुछ 8-8 दिन तक कोशिश करता था, ले नहीं पाता था, कसम खा लेता था कि अब नशा नहीं करूँगा। 8 दिन बाद पता चलता था कि एक ऐसी लत सी खींचती थी, और चूंकि डॉक्टर होने के नाते जानता भी था कि ये एक बेड हैबिट है, इससे बहुत सारी बीमारियाँ पैदा होती है। पर मैंने अपने इतने से जीवन में देखा है कि जो बड़े बड़े स्पेशलिस्ट लोग हैं, जो दूसरे को राय देते हैं कि नशा नहीं करना चाहिए, वो भी छुप छुप के नशा करते हैं, मैंने अपने जीवन में देखा है। तो ये बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज की आशीर्वाद मात्र से मेरी ये सारी आदतें पूरी तरह से छूट गई। सर, सर, भगत समाज को आप इस बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सारी भगत समाज से और सारे मानव समाज से एक ही प्रार्थना करना चाहूँगा कि चूँकि मैं भी खुद डॉक्टर हूँ, आप देखते हैं हॉस्पिटलों में आके, या हम खुद भी देखते हैं जब ड्यूटी पे या कभी ऐसे केसेस रहते हैं, तो हजारों की संख्या में लोग तड़पते रहते हैं, उनकी बीमारियों का निदान नहीं लग पाता, वो डॉक्टरों के चक्कर पे चक्कर काटते रहता है, हॉस्पिटलों पे चक्कर काटते रहता है, पर उसका कोई निवारण नहीं लग पाता। और चूंकि डॉक्टर भी खुद अपने कार्य को शुरू करने से पहले एक बार भगवान को जरूर याद करता है, वो मानता है कहीं ना कहीं कि भगवान जैसी कोई चीज़ इस दुनिया में है, मेरे से भी ऊपर, या इस दुनिया को चलाने वाली कोई शक्ति है जो हम सबसे ऊपर है। तो मेरा एक सभी से एक ही निवेदन है कि आप अगर पूरी तरह थक चुके हो और आपको कहीं ना कहीं विश्वास हो कि भगवान इस दुनिया में है, तो आप बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आके देखें, उनका ज्ञान सुने, समझे। क्योंकि पूरा ज्ञान शास्त्रों, वेदों, रामायण जी, गीता जी, कुरान शरीफ, बाइबिल, जितने भी दुनिया के ग्रंथ धर्म शास्त्र हैं, उन सबसे रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित करके दिखा दिया कि भगवान कौन है, कैसा है, कैसे मिलता है, उसको पाने की विधि क्या है, और बहुत ही सरल और आसान तरीके से भक्ति जितनी सहज रामपाल जी महाराज जी ने बताई। भक्ति नाम सुन के ही डर लगता था पहले, रामपाल जी महाराज ने सारे वेदों से निराकरण करके बता दिया कि भक्ति कैसी और क्यों करनी चाहिए, उसका महत्व क्या है भक्ति का। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि आप एक बार रामपाल जी महाराज की शरण में आके उनका ज्ञान जहाँ भी आपको पुस्तक के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से, या फिर SMS, कोई बुक्स, जैसे भी आपको मिले, एक बार जरूर पढ़ के देखें। आप खुद निर्णय करिएगा कि क्या सही और क्या गलत चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर साहब जी। सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा